खाली हमें करना ही नहीं है कि हमने कर लिया, मतलब हाँ कोई जी हमने वो नहीं करना कि एहसान की हमारा काम हो गया, वो नहीं होना। हमें इसमें से बाय सेल भी निकालने हैं अपने। तो आज हम थोड़ा सा काम करेंगे और काम ये करेंगे कि आप ये चेक करेंगे कि स्टार्टिंग से कि हमारा ट्रेंड क्या है, आपको स्टॉक कैसे उठाने हैं, आपको कैसे बाय सेल ढूंढने हैं अपने, हम उस पर थोड़ा सा आज काम करेंगे, हाँ जी ठीक है? और कैसे कैसे आप उसमें से कंफर्मेशन लेंगे हाँ देखते हैं आज। अब देखिए, सबसे पहले तो कभी भी आपके पास कोई स्टॉक है, अगर आप इक्विटी में काम कर रहे हैं अपने यहाँ पर, ठीक है, दोनों में फर्क क्या होता है? देखिए, अगर आपके पास इक्विटी है तो वो आपको मंथ का भी डाटा दे देगा, हाँ लेकिन अगर आपके पास फ्यूचर है तो वो आपको वन डे का डाटा देगा, मतलब मंथ में बहुत मुश्किल से ही देगा आपको, ठीक है? तो हम इक्विटी की बात करते हैं पहले कि इक्विटी में अगर आप किसी भी स्टॉक में काम करेंगे तो कैसे करेंगे, और जब फ्यूचर में काम करेंगे तो कैसे करेंगे। आप चेक करते हैं, सपोज यही कोई स्टॉक है, किसी भी स्टॉक को सबसे पहले आप बड़े टाइम फ्रेम पे लेके जाए, मंथ पे, ठीक है मतलब आपको देखना ही शुरू यहीं से ही करना है। अगर आपके पास है फ्यूचर, कोई भी फ्यूचर होगा, ऑप्शन होगा, अगर आप ऐसी जगह काम करेंगे तो आप शुरुआत करेंगे वन डे से, ठीक है और अगर है आपके पास इक्विटी, ठीक है, तो आप यूज करेंगे वहां पर वन मंथ, ठीक है ठीक है? फ्यूचर हो गया, ऑप्शन हो गया, कॉमोडिटी हो गई, इन सब में आप वन डे से शुरू करेंगे, और कोई भी इक्विटी का स्टॉक है उसको आप वन मंथ से शुरू करेंगे, वन मंथ, फिर वन डे, फिर वन आवर। अब देखते हैं इसमें कैसे काम हो सकता था, ठीक है? सपोज ये आपके पास स्टॉक है कोई भी, इसको आप सबसे पहले वन मंथ में चेक करें, ठीक है अब वन मंथ में कैसे आपको इसको यूज करना है, देखिए थोड़ा सा हम ध्यान देते हैं इस पे। कभी भी अगर स्टॉक ऊपर चलता है, आप स्टॉक की चाल देखिए, स्टॉक ऐसे ऊपर चलता है फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है फिर नीचे, ये इसका रूटीन होता है, कभी भी डायरेक्टली ऊपर नहीं जाता, ठीक है? अब हम इसमें छोटी सी चीज समझते हैं, और वो समझते क्या है कि जब कभी भी कोई भी स्टॉक ऊपर की तरफ जाता है तो एक बार रिट्रेस करता है नीचे, फिर ऊपर जाता है, फिर रिट्रेस करता है, देन अगर स्टॉक को ऊपर जाना है, मतलब अप ट्रेंड बनाना है, तो हमें ये पता है कि ये हाई ब्रेक करेगा, क्लियर? हेलो 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 हेलो, हाँ जी आवाज आ रही है? हाँ जी हाँ हाँ आ रही है। हाँ जी, अच्छा, देखिए गुरिंदर जी, मैं क्या बोल रहा हूँ कि कब कोई भी स्टॉक अगर ऊपर जाना है तो वो रिट्रेस करके ऐसे ऊपर चलता है। हाँ हाँ मतलब क्या हुआ कि वो एक बार ऊपर जाएगा और फिर एक बार नीचे आएगा और फिर ऊपर जाएगा, मतलब ये इस हाई को ब्रेक करेगा जब बाय होगी, और अगेन इस हाई को ब्रेक करेगा जब बाय होगी, तो ये हमने पहले भी किया हुआ है। हाँ जी, अब हम दूसरा पार्ट करते हैं इसका। दूसरा पार्ट क्या है कि जब ये नीचे आएगा तो कहां तक आएगा, जिससे आप पता कर सके कि अब ये डाउन ट्रेंड का स्टॉक नहीं है, अभी इसको ऊपर जाना है, ठीक है ना? तो आप अगर यहां से यहां तक फिबोनैची लगा दें, सपोज मैं यहां से यहां तक फिबोनैची लगा दो, तो ये किस लेवल पर आएगा जहां से उठ सकता है वापस? इसके तीन लेवल होंगे, एक होगा 50, एक होगा 61 और एक होगा 78। हाँ जी, फिबोनैची के इस लेवल से उठेगा ऊपर, और ऐसे ही अगर स्टॉक गिर रहा है नीचे, ये देखिए जब नीचे की तरफ आ रहा है स्टॉक, तो उस केस में अगर मैं यहां से यहां तक फिबोनैची लगा दूं तो ये कहां तक उठेगा जहां से गिरेगा? अगेन 50, 61 और 78, इन लेवल से नीचे गिर जाएगा। फिर अगर मैं यहां से यहां तक लगा दूं फिबोनैची, तो ये आपके पास कौन सा लेवल होगा? अंदाजन 61, 78 या 50 का लेवल मेरे को मिलेगा, राइट? ठीक है, तो ये हमें इस बेस पर अभी चलना है। इसका मतलब अगर इस स्टॉक को अभी गिरना है, मैंने बोला कि देखिए नीचे आया था, अब एक बार ऊपर गया फिर नीचे गिरेगा, हाँ जी, तो इसका मतलब ये लेवल कौन सा होना चाहिए इसका? या तो 61 या 50, राइट, या 78 होना चाहिए, और अगर इसको गिरना है तो यहीं से गिर जाएगा, हाँ जी, अगर इसको डाउन ट्रेंड में आना है तो हाँ। अगर मैं इसमें फिबोनैची लगा दूं अभी, मतलब ये बहुत अच्छा तरीका है, मैं इसको बहुत यूज करता हूँ जब मेरे को कंफर्म करना होता है कि स्टॉक को गिरना है कि ऊपर जाना है। अगर ये 61, 78 से ऊपर चला गया स्टॉक, तो आप क्या मानेंगे कि अब ये नहीं गिरेगा?
है ना, जैसे सपोज स्टॉक नीचे गिर रहा था फिर ऐसे आना था इसको, 1578 से ऊपर चला गया, इसका मतलब अब ये नहीं गिरेगा, ठीक है, है ना, ये सिंपल सा कंसेप्ट है। तो मैंने अब इसमें यहाँ पर फिबोनैची लगाई, देखिए यहाँ से पकड़ा और यहाँ से फिबोनैची नीचे लगा दी, मतलब अगर 78 से ऊपर जा रहा है तो मैं इसको सेल नहीं करूंगा। देखिए क्या बोल रहा है आपको, ये बोल रहा है कि देखिए 78 से ऊपर जा रहा है, राइट, आपको इसे सेल नहीं करना चाहिए, ठीक है, सेल करेंगे तो आप नुकसान में रहेंगे क्योंकि अभी ये बाय का स्टॉक बन गया है। अगर इसको वापस आना था तो 50 से आता, 61 से आता या 78 से आता, या फिर अगर आप इसे सेल करेंगे भी तो 78 से जब नीचे आएगा तो सेल करेंगे, ठीक है, क्लियर। तो ये हमारा एक सिंपल सा कंसेप्ट है जिसके बेस पर हम किसी भी स्टॉक में चलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इसी को वन डे में देखता हूँ, जैसे आपने वन मंथ में देख लिया, वन मंथ में बाय का स्टॉक है ये समय, मैंने इसको देखा डे में जाके कि डे में क्या कर रहा हूँ। देखिए फॉर एग्जांपल मैं आपको देखिए बताता हूँ, जैसे यही है, कोई और रैली लेके दिखाता हूँ मैं आपको, एक मिनट, ये देखिए सपोज इसको ऊपर जाना था, हम एग्जांपल के साथ देखते हैं, इसको देखिए ऊपर जाना है, ये ऊपर जा रहा है, तो इसका मतलब अगर मैं यहां से यहां तक फिबोनैची लगाऊं तो ये कोई मेरा 61 का लेवल आना चाहिए, राइट, अगर मैं इसको लगाऊं तो ये मेरा कोई लेवल आना चाहिए 50, 61, 78 का, आना चाहिए ना। तो हम इसको लगा के देखते हैं, इस बार मैंने नीचे से पकड़ा और इसे ऊपर तक लगा दिया, कौन से लेवल पे आ रहा है ये गुरिंदर जी, ये देखिए लेवल कौन सा है, 61। हाँ जी, मतलब अगर इसे ऊपर जाना है तो यहीं से ऊपर चला जाएगा, हाँ जी, है ना। और देखिए इसे आप अपने श्योर हो सकते हैं कि मेरे को जाना कहाँ है, देखिए फिर मैंने अब इसको पकड़ा और ये वाली रैली ले ली यहां तक, हाँ जी, किस लेवल से उठ गया, 50 लेवल से, राइट, मतलब इन तीन ही लेवल है जहां से उठना चाहिए इसको, ठीक है। और देखते हैं, देखिए इसका मतलब अगर इसको ऊपर जाना है, ये रैली है, देखिए ये मैंने रैली लगा दी, तो अगर इसको ऊपर जाना है तो कौन से लेवल से उठेगा, इसको आना चाहिए था 50 से, इससे पहले ही उठ गया, मैक्सिमम तो मैक्सिमम कहां से उठेगा, या तो 50 से या 61 से, राइट, और ये आपका पहले ही उठ गया, उससे कोई फर्क नहीं है, लेकिन ये पहले ही उठ चुका है, अगर मैक्सिमम आता तो यहां तक आता। ऐसे ही अगर मैं डाउन रैली देखूं कोई सी, ये देखिए ये डाउन रैली चली थी, ये डाउन रैली है ना, इसका मतलब यहां से यहां तक अगर मैं फिबोनैची लगा दूं तो मेरा ये आपका 50% पे अंदाजन कहीं आना चाहिए, है ना। तो मैं इसको लगा के देखता हूँ, इससे आप थोड़े से श्योर हो जाएंगे कि असल में मेरे को करना क्या है, राइट, कौन सा लेवल है इसका जहां से गिरा है ये डॉट, ये देखिए 61। इसका मतलब आप किसी भी स्टॉक में, किसी भी फ्यूचर में ये चेक कर सकते हैं कि आपका अगर स्टॉक गिरेगा तो कहां से गिरेगा, है ना, ये आप श्योर हो सकते हैं उसके। देखिए और देख लेते हैं, देखिए कोई सा भी, सपोज यही रैली थी, देखिए यहां से ये नीचे तक आया, मैं देखना चाहता हूँ किस लेवल पे रहा होगा, यहां से पकड़ा और ऊपर तक लगाया, देखिए डॉट आपका 61 पे टच करके चला गया, ये 61 है, ये 61 पे टच करके चला गया, मतलब अगर स्टॉक को ऊपर जाना है तो भी वही लेवल, और नीचे आना है तो भी लेवल, और इन लेवल्स को बहुत ज्यादा ओबे करता है स्टॉक। तो आप हमेशा दो देखते हैं, मंथ एंड डे? मैं पता क्या करता हूँ गुरिंदर जी, मैं मेरा तरीका क्या होता है, मैं सबसे पहले इसे मंथ पे जाके देख लेता हूँ कि कर क्या रहा है, मेरे को मंथ पे कोई ट्रेडिंग नहीं करनी, मेरे को मंथ पे कोई ट्रेडिंग तो करनी नहीं है, ट्रेडिंग तो मेरे को 5-10-15 मिनट पे ही करनी है, राइट, लेकिन उस केस में मैं क्या करता हूँ, केवल एक मंथ का आइडिया लगा लेता हूँ अपना कि मेरे मंथ में कर क्या रहा है ये, ठीक है, मेरे को पता लग गया मंथ में मेरे को इसे बाइंग नहीं, सेलिंग नहीं करनी है, मैंने फिबोनैची लगा के देख ली, मेरे को पता लग गया कि मेरी इसमें फिबोनैची गलती है कि आप सेल ना करें इसमें, ठीक है, सेल करने में भी दिक्कत हो सकती है ना। मैं कोई और स्टॉक उठा के आपको दिखा देता हूँ, तो आप कभी भी उसमें भी सेल नहीं करेंगे, अभी मेरा बाय साइड रहना मेरे लिए ज्यादा अच्छा है, मेरे को केवल मंथ ने ये बता दिया, अब मैं इसमें सेलिंग तो नहीं करूंगा अभी एकदम से, छोटी मोटी कोई कर सकता हूँ मगर बड़ी सेलिंग नहीं करूंगा। अब आप गए सीधा एक दिन में, अब दिन क्या बोल रहे हैं आप, ऊपर चल रहा काम, यस, अब अगर बाइंग होनी है इसमें, देखिए बाइंग रहते आप फायदे में रहते, हाँ जी, आप ऐसे भी कर सकते थे, देखिए एक तरीका और भी था, आप इसमें क्या करें, यहाँ पर मंथ के लेवल्स लगा लें, एक मिनट, मंथ के आप यहाँ पर लेवल लगा लें,
कुछ लेवल लगाने से क्या होगा ये भी आपको बताता हूँ। सारी आपकी काम की चीजें रहेंगी। एक मिनट, आपने ये पकड़ा और लेवल लगा लिया और लेवल लगा के छोड़ दिया, इसका मतलब अगर ये 78 से ऊपर चलने लगा था तो मेरे को बाय कर लेना था, राइट? क्योंकि 78 से नीचे सेल है, मगर 78 से ऊपर चलता तो मैं बाय कर सकता था ना। अब अगर मैं 78 इस लेवल को यहीं लगे रहने देता हूँ, अब मैं दिन में चले जाता हूँ। देखिए 78 कब शुरू हुआ आपका? 78 यहाँ से शुरू हुआ, देखिए आया था 78 से नीचे गिरने के लिए, फिर ऊपर चल दिया, तो इसका मतलब आप यहाँ से बाय कर सकते थे, राइट? ये आपको लेवल लगा हुआ है, देखिए मंथ का लेवल लगा हुआ है, मंथ का लेवल छोटा मोटा लेवल नहीं है। इसको एक घंटे में चेक कीजिए, देखिए अगर आप एक घंटे में इसको चेक करते थे, देखिए एक घंटे में भी आपको इसने दो तीन बार बाय दिया है। देखिए छोटे टाइम फ्रेम पे ये देखिए ऊपर चला, बाय दिया, फिर नीचे आया, देखिए डॉट वहीं पर सपोर्ट लिया, फिर ऊपर चला गया, फिर वहीं पर सपोर्ट लिया और फिर ऊपर चला गया। मतलब ये आपको लेवल कौन बता रहा है? जो रिस्पेक्ट कर रहा है ये मंथ बता रहा है आपको, राइट? मतलब आप देखिए मंथ का 10 मिनट या 5 मिनट में क्या काम होता है, यही काम होता है। मंथ में मैंने कुछ नहीं किया, एक फिबोनाची लगा दी है, और इसी को मैं और छोटे टाइम फ्रेम में चले जाता हूँ, 5-10 मिनट में चले जाता हूँ, तो देखिए 10 मिनट भी मेरे को बताएगा मेरे को कहाँ कहाँ से बाय करना चाहिए। किसी को नहीं पता था यहाँ से क्यों बाय करें, मतलब किसी से आप पूछेंगे कि यहाँ से बाय करना है तो क्यों करना है, पहला क्वेश्चन ये आएगा क्यों करना है, क्योंकि किसी को पता ही नहीं होगा क्यों बाय होगा यहाँ पर। लेकिन हमें पता है कि मंथ का 78% आ रहा है, अगर ये यहां से ऊपर जाएगा तो बहुत अच्छी बाय मेरे को दे सकता है, या तो यहां से गिर जाता है नीचे, पर अगर नहीं गिरा है आपने और ज्यादा क्या कर सकते थे, इस जगह पर अपना डे हाई डे लो लगा लो, राइट? अगर यहां पर डे हाई के ऊपर निकल गया तो ये बाय बन गई आपकी, और ये बाय देके अच्छी बाय देके गया आपको। वापिस जब आया तो देखिए डॉट वहीं पर रुका रहा, यहां पर रुका रहा। देखिए चाहो तो आप एक, अगर आपको सेलिंग का मौका मिलता तो सेलिंग भी कर सकते थे, अगर नीचे से कोई अलाउ करता इंडिकेटर को, लेकिन जैसे ही ऊपर निकला देखिए अच्छी रैली आपको मिली, फिर दोबारा देखिए नीचे आया, सेलिंग हो सकती थी कुछ, फिर जब ऊपर गया फिर एक रैली मिली, और तब से रैली चलती है देखिए, राइट? लेकिन कौन बोल रहा है आपको? मंथ बोल रहा है, मतलब अभी भी मंथ में कहीं पर भी। अब मेरी इसकी सेलिंग कब आएगी? अगर सेलिंग आनी ही है तो ये 78 के नीचे आएगी, यहां पर कहीं सेलिंग का जोन नहीं है, सेलिंग का जोन नीचे ही बनेगा, राइट? तो मतलब आपको ये मंथ ये बताएगा कि असल में आपको करना क्या है। ये बोल रहा है कि अभी आप बाय करें, सेल तो ना करें। अगर सेलिंग होनी है तो इसके नीचे होनी है, और नहीं तो नहीं होनी है अभी, ठीक है? ये कौन बताएगा आपको? ये मंथ बता रहा है, राइट? ठीक है, तो मतलब मंथ को आप ऐसे यूज कर सकते हैं गुरी नदी, ठीक है? और कोई स्टॉक देखते हैं, देखिए और कोई स्टॉक देखते हैं, और अगर ये 78 के नीचे नीचे चल रहा है तो आप सेलिंग में जाएंगे सीधा, ठीक है? मैं दिखा देता हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ, और भी स्टॉक दिखाता हूँ देखिए, क्योंकि एक से काम नहीं चलेगा, मैं आपको 4-5 दिखाऊंगा तो आपको समझ में ज्यादा अच्छी तरह आ पाएगा। अब ये आपकी रैली है, ये हमारा इंडाइसिस है मेन, तो आपके इंडेक्सेस भी 24/7 चलते हैं? नहीं 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 नहीं, ये तो आपका मॉर्निंग 9:15 to 3:30, अच्छा ठीक है, उस टाइम पे बंद हो जाएंगे पूरे, ठीक? अब देखिए ये आपके पास ये था पूरा, ये पूरा अभी तक का इंडेक्सेस है, अभी तक जो चला है सारा। अब इसको अगर मैं चेक करता हूँ तो देखता हूँ मेरे किस लेवल पे चला। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसी रैली को देखता हूँ तो ये आपका 50, 61 और 78 पे आना चाहिए था, आना चाहिए था, देख लेते हैं लगा के। ये देखिए कौन सा लेवल है, 50%, राइट? मतलब बिल्कुल देखिए उसी लेवल पर चल रहा है, 50% पे आया ऊपर चला गया, दोबारा 50% पे आया ऊपर चला गया, फिर देखिए, मतलब मैं ही आपको एक मूवमेंट बता रहा हूँ, स्टॉक का मूवमेंट होता क्या है, राइट? हमेशा ऐसे ही चलेगा, देखिए ये ऊपर गया, कौन से लेवल से वापस हो गया रिट्रेस, 50% से फिर चला गया ऊपर, राइट? है ना, मतलब हमेशा आप इसको कैसे जज कर सकते हैं, जैसे ही 50 पे आएगा तो फिर बाय लेके जाएगा, ठीक है? अब अगर मैं इसको देख, और अगर सेलिंग होनी है, देखिए जैसे ये रैली आ गई है, नीचे की रैली आ गई, तो इसका मतलब अगर इसको सेल होना है तो कौन से लेवल से सेल होगा, या तो 50 से, या 61 से, या 78 से, अभी कहां रुका हुआ है मंथ पे,
देखिए 50 पे रुका हुआ है, 50 पे रुका हुआ है, मतलब अगर यहां से ऊपर लेगा ये, या तो यहीं से गिर जाएगा, अगर इसको गिरना है तो या तो यहीं से गिरेगा 61 से या 78 से, तीन लेवल इसके गिरने के, ठीक है, यहां से आप बहुत अच्छी सेलिंग ले सकते हैं इसकी। अब अगर इसी, ये मैंने लेवल लगा के छोड़ दिए, ठीक है, अब मैं चलता हूं, मैं जाके देखता हूं अपना छोटे टाइम फ्रेम पे, कि छोटे टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है, तो मंथ बता रहा है मेरे को, मंथ बहुत बड़ा टाइम फ्रेम होता है। अब मैं इसे एक घंटे पे जाके देखता हूं, देखिए एक घंटे में भी क्या कर रहा है, एक घंटे पे अगर मैं बात करता हूं तो देखिए 50 के बिल्कुल पास में रुका पड़ा है ये रहा। अब अगर कल ये नीचे खुल जाता है मंडे को, इसका मतलब एक सेलिंग आएगी इसकी, और अगर ऊपर ही सस्टेन करता है ये यहीं पर ही, तो हो सकता है अगले लेवल की तरफ को चले जाए, ये 50 से ना गिरे 61 से गिरे, दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है, राइट है ना। तो अब मैं केवल वेट करूंगा मंडे को कि ये खुलता कहां पर है। अब देखिए गिरने को तो यहां से भी गिर सकता था ना जब यहां पर था, राइट, क्योंकि यहां से नीचे आ सकता था, लेकिन खुला कहां, ऊपर, ऊपर खुलने का मतलब था कि सपोर्ट ले रहा है, उसके बाद देखिए पूरा नीचे गिरा, फिर सपोर्ट ले गया, और फिर तब से सपोर्ट ही सपोर्ट ले रहा है, राइट, डेली सपोर्ट लेके जा रहा है। इसका मतलब ये हो सकता है कि या तो ये सपोर्ट को ब्रेक कर दे नीचे, लेकिन कई बहुत टाइम से कर नहीं पाया, मतलब आप इसके आर्स लगा लीजिए सिंपल सिंपल, तो आप लगा लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 आर्स से ये इसे ब्रेक नहीं कर पा रहा है, राइट, तो मतलब अंदर 2-3 दिन हो गए ये ब्रेक नहीं कर पा रहा है, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि एक बहुत स्ट्रांग सपोर्ट बना हुआ है। अब अगर ये किसी भी रीजन से ब्रेक हो जाता है नीचे, राइट, इसको ऐसे कैसे बोलेंगे, आप देखिए अभी तक 14 आवर्स से कोई भी कैंडल नीचे क्लोज नहीं हुई, अब देखिए किसी भी कैंडल की क्लोजिंग जो है, और पास से दिखा दो, किसी भी कैंडल की क्लोजिंग नीचे नहीं हो रही है ठीक से, क्लोजिंग नीचे होने का मतलब एक कैंडल सपोज ये क्लोज हो गई तो अब इसके नीचे कैंडल नहीं जा रही है। अगर ये कैंडल नीचे चली गई, जिस दिन भी आपके एक ऐसी कैंडल बनी मिल गई जो नीचे हो, यहां पर एक लंबी कैंडल, तो इसके नीचे से डाउन शुरू हो जाएगा अगले दिन से, ठीक है, पर वो कोई बनी नहीं है, बनी नहीं है। इसका मतलब अभी मेरे को ये बोल रहा है कि आप थोड़ा सा रुक जाए, ठीक है, आप थोड़ा सा वेट करें, ये ऊपर भी जा सकता है क्योंकि इसके गिरने की जो जगह है वो कौन कौन सी है, या तो 50 है, या तो 50 है, या 61 है, या इससे ऊपर 78 है, ये right. तीन जगह इसके गिरने की है, और पहली जगह पे रुका हुआ है अभी, है ना। तो मतलब आप ऐसे चेक कर सकते हैं इसको। तो अब अगर मैं ये बोलता हूं कि चलिए मैंने इसको यहां से छोड़ दिया, अभी 1% में यहां से छोड़ देता हूं इसको, वन डे पे लगाने की कोशिश करता हूं। अब एक चीज और गुरिंदर जी छोटी थी कि जब आप फिबोनाची लगाते हैं तो आप कैसे लगा सकते हैं, या तो छोटे से पार्ट पर, आप देखिए ये जो रैली है, ये जो इतनी रैली है, ये इस रैली का एक पार्ट है, हाँ, है ना, ऐसी समझ सकते हैं ना, राइट। देखिए ये पूरी रैली का ये एक छोटा सा पार्ट है। अब आप ऐसा भी दो एनालिसिस कर सकते हैं, पहला एनालिसिस इस छोटी सी रैली पर और दूसरा एनालिसिस इस बड़ी रैली पर। अभी जो मैंने 50% पे बात की वो मैंने बड़ी रैली का एनालिसिस किया था। अगर मैं बड़ी रैली का एनालिसिस करता हूं तो मेरे को पता लगता है कि देखिए मेरे पास अगर मैंने ये नीचे तक लगा लिया है तो ये मेरा 50% पे आ रहा है और अगर यहां से गिरेगा तो सेलिंग दे सकता है, है ना। मतलब पूरी रैली का 50% इसने क्रॉस किया है। आप एक मिनट होल्ड करेंगे? श्योर श्योर, हाँ जी, एक सेकेंड।
हाँ जी बैक हो गया। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अच्छा देखिए, मैं क्या बोल रहा हूँ गुरिंदर जी, कि आपको ये चेक करना है कि असल में बड़ी रैली का पार्ट कौन सा है। ये तो छोटा सा पार्ट है रैली का। हाँ जी इन सबको अगर मैं एनालाइज करता हूँ, ये सब तो छोटे छोटे पार्ट है, लेकिन असल में कौन सी रैली गवर्न हो रही है, ये वाली, ये वाली रैली मेरी कवर हो रही है। इस रैली का कुछ पार्ट कवर यहाँ हुआ, कुछ यहाँ हुआ, कुछ यहाँ हुआ, कुछ यहाँ हुआ, तो पूरी रैली जो गिरी है उसका 50% इसने क्रॉस किया है, राइट है ना। अब अगर मैं चाहूं तो मैं ऐसे कर सकता हूं, मैं ये बोल सकता हूं कि चलो मैं छोटी रैली का पार्ट देखता हूं, छोटी रैली का कितना पार्ट कवर हुआ है केवल इसका, राइट तो मैं इसको छोटी रैली पे भी कवर करता हूं। लोग क्या गड़बड़ करते हैं, छोटी रैली को केवल कवर कर लेते हैं। जैसे मैंने ये बोला यहां से लगाया और मैं नीचे यहां तक ले गया, लेकिन ये मेरी कौन सी रैली है, तो छोटी रैली है मेरी। अब छोटी रैली क्या बोल रही है, छोटी रैली बोल रही है कि आपको बाय साइड जाना चाहिए क्योंकि 78 से ऊपर निकल गया। अब दोनों को अगर मैं मिलाता हूं तो देखिए क्या फर्क आएगा। मेरी बड़ी रैली मेरे को बोल रही है कि 50% के ऊपर चल रहा था, अगर 50% से नीचे गिरेगा तो सेलिंग आएगी, यही बोल रहा था। अब अगर मैं छोटी रैली पे लगाता हूं अपनी फिबोनैची की, तो ये मेरे को क्या बोल रही है, 78 से ऊपर है इस समय, और अगर 78 से नीचे आएगा तो सेलिंग है। दोनों कंफर्म कर रहे हैं मेरे को, मतलब वहां पर से 50% आ रहे हैं और यहाँ छोटी रैली में 78% के ऊपर आ रहे हैं। तो अगर नीचे खुलेगा तो दोनों गिरेंगे, 50% वाला भी गिरता है और 78% वाला भी गिरता है, दोनों मेरे को सेलिंग बताते हैं। मतलब अगर इसके नीचे खुल गया मार्केट मंडे को तो ये कंफर्म सेलिंग है। हाँ जी, एक सेलिंग कंफर्म आ जाएगी, और वो सेलिंग कहां तक आएगी, वो सेलिंग आपके पास अंदाजन आपके पास ये लगाइए कम से कम यहां तक आती है, यहां तक की एक सेलिंग आपको देखने को मिल जाएगी, है ना। तो मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि जब कभी भी आप काम करेंगे तो आप बड़ी रैली और छोटी रैली दोनों को कंपेयर करेंगे, जिससे आपको एक अच्छी वैल्यू मिल पाए। अब देखिए, ये मैंने छोटी रैली कंपेयर की थी अभी, अब मैंने बड़ी रैली की है। तो कोई भी स्टॉक और भी देख लेते हैं, कोई स्टॉक उठा के, सपोज मैं रिलायंस ही देख लेते हैं, ठीक है, रिलायंस देखते हैं, चलिए कोई भी A to Z आप स्टॉक, आपके साथ भी ये सेम चलेगा, कोई अलग नहीं है, बिल्कुल, है ना। तो क्या करेंगे, अब देखिए सपोज ये है, अब मैं देखना चाहता हूं मेरी रैली कौन सी होगी, मंथ में चेक करते हैं इसको कहां जा रहा है, इसको ये देखिए। सपोज मैं बात करता हूं, सपोज मैं कहां से पकड़ता हूं रैली, मैं सपोज यहां से पकड़ लेते हैं, ये नीचे रैली कौन से लेवल पे अभी आया हुआ है स्टॉक, देखते थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं, ये आपके पास है, जरा सा नीचे कर दूंगे, अभी देखिए 23 पे घूम रहा, अभी 23 पे आया नहीं है, ये पास में ही रुका हुआ है, और बार बार 23 लेवल से ऊपर चला जाता है, ये देखिए राइट, इसके आसपास से ऊपर जा रहा है ये पूरा, मतलब अभी भी अगर यहां तक आएगा, जब तक ये इससे नीचे नहीं गिरेगा मेरी सेलिंग नहीं आएगी। हाँ जी, और अभी 23 से ऊपर ही ऊपर चल रहा है, ठीक है पूरा। तो ये मेरे को कौन बता रहा है, ये कम से कम मेरे को डे बता रहा है। लेकिन अगर मैं इसको मंथ में चेक करना चाहूँ 8%, मैंने मंथ में भी तो चेक करना है, अगर मैं इसको मंथ में बात करता हूँ तो देखते हैं मंथ में मेरे को क्या बोलता है। मंथ में बोलता है कि देखिए मैंने यहां से पकड़ा और यहां लगा दिया, अभी भी ये मेरे को बोल रहा है कि 23 पे आया ही नहीं है, ठीक है, मतलब ये सेलिंग आई नहीं है इसकी। तो एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, जब आप सेलिंग देखते हैं तो फिबोनाची नीचे से ऊपर लगाते हैं, जब आप बाइंग देखते हैं तो ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे लगाते हैं, ठीक है, ये सिंपल कॉन्सेप्ट है, ठीक है, है ना। लेकिन उसमें आप दो चीजें देख सकते हैं, उसको आप ड्यूल यूज कर सकते हैं। ड्यूल यूज कैसे कर सकते हैं, आपको फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, एक मिनट, सपोज यही रैली है, है ना, यही रैली मैं लेता हूँ, अगर इस रैली पे मैं अपनी फिबोनाची लगाता हूँ तो देखिए ऊपर से नीचे लगाया तो मेरे को बाय मिलेगी। हाँ जी, यही तो कंसेप्ट होगा, या बाय मतलब इसकी मेरी 23 के ऊपर बाय है, या ये मेरे टारगेट है। लेकिन इसको आप ड्यूल यूज कैसे कर सकते हो, कि आप बोलते हो ठीक है ये तो मेरी बाइंग आ रही ना, लेकिन मेरे को ये भी तो पता है कि सेलिंग भी हो सकती है, क्यों,
या गुरिंदर जी? हाँ जी, हाँ जी, सॉरी सिस्टम रीस्टार्ट हो गया था मेरा। हाँ हाँ, नहीं कोई नहीं। हाँ अच्छा, मैं ये देखिए बोल रहा हूँ कि जब कभी भी आपकी बाय आती है, हाँ है ना, हम यही चीज डिस्कस कर रहे थे कि सपोज देखिए मेरी ये कोई रैली है, हाँ, बाय आई होगी, हाँ, तो इस जगह से अगर मैं एक अपना फिबोनाची लगाता हूँ तो मेरे को इसमें ये पता लग रहा है कि मेरी 23 से बाय है ना। एक तरीका इस फिबोनाची को यूज करने का, हाँ जी, है ना, लेकिन मैं इसी से अपनी सैलरी को निकाल सकता हूँ। हाँ हाँ, मतलब दोनों पार्ट निकल सकते हैं इससे, मेरे मेरी बाय भी निकल सकती है, मेरा सैलरी निकल सकता है। हाँ मेरे को जी, यहाँ से पता लग रही है कि मेरी बाय है 23 से, हाँ हाँ है ना, लेकिन मेरे को ये भी तो पता लग रहा है कि 50, 61 और 78 से मेरी सैलरी है। हाँ हाँ तो अब आपकी मर्जी है कि फिबोनाची को बाय साइड में यूज करते हो कि सेल साइड में यूज करते हो। मैं इसको सेल साइड की तरफ यूज करता हूँ हाँ, ज्यादा, मतलब जैसे अच्छा, आप यहाँ पर नीचे बाय के लिए यूज करेंगे इसको कि बाय यहाँ से मिलेगी, मैं इससे ज्यादा यूज करता हूँ कि मेरे को सेल कहाँ से मिलेगी। उसका रीजन, क्योंकि सेल में पैसा जल्दी मिलता है, आपको बाय में पैसा लेट में मिलता है। राइट, ये एक सिंपल सा लॉजिक है कि अगर मैं यहाँ से बाय करके रखूंगा तो मेरे को बहुत देर ऊपर जाएगा, फिर नीचे ऊपर जाएगा, ऐसे नीचे ही जाता है। लेकिन जब सेलिंग होती है इसकी तो बहुत फास्ट होती है, एकदम से नीचे आपको 10-15 मिनट में पैसा देकर निकल जाता है। तो इसलिए मैं ज्यादा कोशिश करता हूँ कि मैं सेलिंग ढूंढू, बाइंग कम ढूंढू। बाइंग जब तक अनलेस अंटिल मेरे को बहुत अच्छी कोई बाय नहीं मिलेगी तो मैं ज्यादा नहीं लेता। तो मैं कहाँ वेट करता है इसका, अगर मैं ट्रेड करता तो मैं वेट करता क्या 50 से नीचे आ रहा है ये सेलिंग में, या 61 से नीचे सेलिंग में आ रहा है, या 78 से नीचे सेलिंग में आ रहा है ना। देखिए 78 के पास इसने इन्वर्टेड हैमर बनाया था, तो अगर बाई चांस इससे नीचे सेलिंग होती तो एक अच्छी सेलिंग मिल जाती है आपको। तो मैं इसमें सेलिंग ढूंढता हूँ, लोग इसमें बाइंग ढूंढते हैं, मैं इसमें सेलिंग ढूंढता हूँ। तो आप फिबोनाची को किसी भी तरीके से यूज कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। प्लस अगर आप, एक तो आपके पास ये हो गया कि मंथ में आप फिबोनाची को कैसे यूज करेंगे, मंथ से आपको पता लग जाएगा कि मेरे को बाय साइड रहना है कि सेल साइड रहना है, मेरे को अच्छा कौन सा है, ठीक है। इसके साथ में अगर आप चाहो इंट्राडे करना, मेरे को तो इंट्राडे करना है सपोज, तो इंट्राडे के लिए सबसे अच्छा टाइम फ्रेम कौन सा रहता है, 1 आवर का। 1 आवर में आप अपनी फिबोनाची लगा लें, ठीक है, आराम से, वो आपको बहुत फायदा करती है। कैसे, 1 आवर में कौन सी वाली फिबोनाची, अब ये क्वेश्चन आता है 1 आवर में कौन सी वाली, कहाँ लगाऊं मैं फिबोनाची। आप यहां से यहां पर भी लगा सकते हैं, यहां से यहां पर भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो जो भी आपको अगर ये आपको छोटी रैली मिल रही है तो इससे थोड़ी सी बड़ी जो रैली है उस पर लगाए। अगर यही बड़ी रैली होती मेरी तो यही बहुत थी मेरे लिए, लेकिन जैसे छोटी रैली है और आपको पता लग रहा है इस रैली से एक बड़ा पार्ट है इसका, तो आप बड़े पार्ट में लगाए तो वहां आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। अब जैसे मैं यहां से लगाता हूं, देखिए ये मेरा लेवल था, ये मैंने नीचे से पकड़ा और मैं ऊपर ले गया, ये मेरा 1 आवर बोल रहा है मेरे को। अब मैं इसको थोड़ा पास में लेके जाता हूँ, 10 मिनट में लेके जाते हैं, अब देखते हैं हो क्या रहा है असल में। ये देखिए, ये आपके पास क्या हुआ, इस रैली में जब मैंने इस रैली का पार्ट लगाया था तो इसने मेरे को बताया देखिए 78 से ऊपर बाय हुई थी इसकी, मतलब ये 23% रहा होगा, और इस समय कौन से लेवल पर ट्रेड कर रहा है, इस पूरी रैली के हिसाब से ये 50% पर ट्रेड कर रहा है, और कहां से वापस आ गया, एग्जैक्टली 78 लेवल रहा होगा,
देखिए मैंने इसमें उल्टी लगाई हुई है रैली, ये रैली पूरी फिबोनाची, तो ये आपका 23 हो गया, ये 38 हो गया, 50 हो गया, ये 61 हो गया, ये 78 हो गया, तो इसका मतलब 78 लेवल से ये नीचे आ गया देखिए। राइट, तो जब आप सेल करते हैं वो बोल रहे हैं, सो डू यू प्रेडिक्ट पे कितना नीचे जाएगा या जो अभी की मार्केट वैल्यू है उसी से ही सेल कर देंगे और उससे नीचे जाएगा यू मेक मनी? वहां से सेल कर दीजिए, आपको कोई इशू नहीं है। आपको देखिए मॉर्निंग में ये पता लग गया कि ये 78 से नीचे ट्रेड कर रहा है, मैं इसको एक मिनट सही तरीके से लगा देता हूँ, आप आराम से समझ पाए। ये देखिए ये था, ठीक है। अभी आपको क्या दिख रहा है कि ये कहां से सेल हुआ, ये एग्जैक्टली अगर मैंने एक घंटे की फिबोनाची लगाई है, है ना, एक घंटे की फिबोनाची इंट्रा डे के लिए, तो मेरे को पता लगा कि देखिए 78 से नीचे सेल हो रहा है। राइट, अब और पास में जाके चेक कर लीजिए, 5 मिनट में चेक कर लीजिए, क्योंकि अब आपके कंसेप्ट क्लियर है। मेरे को पता है मेरे को सेलिंग या बाइंग कहां से होनी है। तो आपने यहां पर देखा कि 78 से नीचे चलना शुरू हुआ ये मॉर्निंग में, एक कैंडल देखिए इसने ऊपर बनाई सुबह सुबह, मतलब बाय साइड जा रहा था ये। राइट, अगर इसको जाना था तो 78 के ऊपर निकल जाना था, लेकिन नहीं निकला। आपने देखा उसके बाद क्या हुआ, ये नीचे आना शुरू हुआ 78 से। राइट, अगर ये 78 से नीचे आना शुरू हुआ इसका मतलब आपकी सेलिंग हुई थी, ये बाय साइड में नहीं जाना चाहता है। अब बहुत ज्यादा आप इसे थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, हल्का सा वेट कर लेते, मतलब एक दो कैंडल ऊपर के बाद तो नहीं जा रहा कहीं ऊपर, या कोई इंडिकेटर बेस कर लेते चेक कर लेते आप इसे, या बायस अगर चेक कर लेते इसके, है ना। आपने देखा सपोज सेलर ज्यादा है यहाँ पर, तो इसका मतलब यहाँ से सेल होगा, तो आपका स्टॉप लॉस कितना हो गया ये, और यहाँ से आप सेलिंग जाने दें इसको, और देखिए पूरे दिन में क्या हुआ, पूरे दिन ये पहला टारगेट अचीव किया, ठीक है, फिर दूसरा टारगेट अचीव किया, फिर तीसरा टारगेट भी अचीव कर लिया, तीनों टारगेट इसने अचीव किए, और अभी भी देखिए 50% से ऊपर नहीं जा रहे हैं। इसका मतलब आप एक घंटे के लेवल पर अपने स्टॉक को जज कर सकते हैं कि कहाँ जा रहा होगा, आपको करना क्या है असल में। और कोई स्टॉक ले लेते हैं देखिए, मैं सपोज आईटीसी ले लेते हैं या कोई और ढूंढ लेते हैं स्टॉक को। अच्छा सर, मैं बोलता हूँ एचडीएफसी लाइफ ढूंढ लेते हैं, कोई सा भी ले लीजिए, ए टू जेड कोई भी, ये देखिए कोई स्टॉक है ना, इसको आप मंथ में पहले मंथ में जरूर चेक करें, भले कुछ होना हो आपको मिले नहीं मिले, पर जरूर चेक करें मंथ में, है ना। अब देखिए ये मंथ में भी अगर आप चेक करते हैं, देखिए फिबोनाची लगा के देखिए कहां से गया, ये देखिए 78 से वापस चला गया, मतलब जब अगर स्टॉक को ऊपर जाना है तो इस लेवल से वापस चला जाएगा, कंडीशन है। अब मैं अगर ये ऊपर से मैंने नीचे पकड़ा है देखिए इसको, और ये मैंने फिबोनाची लगा दी है, इस समय क्या कर रहा है ये, इस समय देखिए 23 से नीचे चल रहा है, मतलब ये कौन सा स्टॉक हुआ, सेलिंग का स्टॉक हुआ, है ना। नीचे से पकड़ लिए, ऊपर लगा दीजिए इसको, हो जाता सही। ये देखिए आपको मंथली क्या बोल रहा है, क्या मंथली आपको बाय के लिए बोल रहा है, देखिए मंथली सेल के लिए बोल रहा है। राइट, मतलब मंथ में मेरे को ये पता लग रहा है कि मेरे को सेल करना चाहिए, बाय नहीं करना चाहिए। राइट, इसको अब बस इतना बहुत है मेरे लिए, अब चाहो तो आप इसे लगे रहन दो, ठीक है, अब आप इसे लगे रहन दो और अपना डे में या एक घंटे में इसको चेक कर लो, है ना। सपोज मैं बोलता हूँ ठीक है, इसको मैंने जाके देखा एक दिन में क्या कर रहा है, एक दिन में एग्जैक्टली ये एक सेलिंग जोन में जा रहा है धीरे धीरे करके, देखिए 23 से नीचे ऊपर नहीं निकल पाए, 23 से देखिए 23 से ऊपर जा ही नहीं पाए ये, मतलब ये सेलिंग जोन आ रहा है इसका। अब अगर कल इसके नीचे एक मार्केट खुल जाता है, इसका मतलब ये सेलिंग है इसकी यहां तक की। ये तो मेरे को कौन बता रहा है, वन डे और वन मंथ बता रहा है। अब मेरे को ये चेक करना है कि इसकी सेलिंग आ कहां से सकती है, तो मैं आराम से वन आर में चले जाता हूँ, और तब मैं इसको अपनी लगा के देखता हूँ फिबोनाची क्या बोल सकती है मेरे। अब मेरी रैली कौन सी बन गई, वन आर की रैली मेरी कौन सी है, अभी फिलहाल वन आर की मेरी जो रैली है वो यहां से यहां तक बन रही है लगभग। अब मेरी मर्जी है कि चाहे मैं यहां से यहां तक ले लूं, मर्जी है, लेकिन मैंने बोला कि थोड़ी सी बड़ी रैली लीजिए जिससे आपको और अच्छे लेवल मिले। या तो देखिए आप ये रैली पकड़ सकते हैं, ये रैली पकड़ लीजिए तो भी आपके पास कोई इश्यू नहीं है,
अब देखिए सपोज मैं इस रैली को पकड़ लेता हूँ, थोड़ी सी हल्की सी बड़ी रैली रखिए तो आपको ज्यादा अच्छा होगा। ये देखिए राइट, ये रैली आपको क्या बोल रही है, ये रैली बोल रही है कि देखिए 78 पर रुका हुआ ये, अब अगर इसको चलना है ऊपर, अगर इसको ऊपर जाना है तो देखिए बार बार इसी लेवल से ऊपर गया ये, अगर इसको जाना है तो यहीं से ही ऊपर जाएगा, अगर जाना है, नहीं तो ये गिरेगा यहां से, ठीक है। और अगर मैं इसका उल्टा लगा देता है, इसको अगर मैं इसका उल्टा लगा दू रैली, मैंने देखिए एक मिनट, अगर मैं इसे ऊपर से नीचे लगा दू तो देखिए मेरे को ये भी बताता कि इसको सेलिंग जोन कहां से आता, देखिए कहां से गिरे हैं ये सारे, चेक कीजिए, ये देखिए 61 से गिरा, फिर 61 से गिरा, फिर 61 से गिरा, फिर 61 से गिरा, मतलब यही तो है हमारे पास। ये देखिए अगर रैली है तो ये 61 के आसपास से गिरेगा, ये देखिए राइट, तो ये उसी जगह से सेल कर रहा है। तो मतलब सबसे पहले हमें इंडिकेटर बेस्ड नहीं होना है, हमें गुरिंदर जी ये नहीं डिसाइड करना है कि इंडिकेटर हमारा डिसाइड करेगा बाय सेल, नहीं, बाय सेल हम डिसाइड करेंगे, ठीक है। इंडिकेटर केवल और केवल हमारी हेल्प करेगा। सपोज मैं बोलता हूँ यहाँ से सेल होनी चाहिए 1%, इंडिकेटर मेरे को बोलेगा कि क्या यहाँ से सेल है या नहीं है, श्योर करेगा मेरे को, लेकिन निकाली तो मैंने है ना, राइट, नहीं। आप देखिए इसमें कोई इंडिकेटर की आपको अलग से जरूरत नहीं पड़ रही है, अब इसमें चाहे तो आप RSI लगा लीजिए, इशिमोटो लगा लीजिए, जो मर्जी लगा लीजिए कि आपकी सेलिंग हो रही है या नहीं हो रही है, अदरवाइज आपको वैसे भी पता है। सबसे ज्यादा अच्छा आपको कौन बताएगा कि आपका सेलिंग या बाइंग होने वाली है, प्राइस एक्शन, और फी बने की बता देगी आपको, फी बने की आपको बोल रही है कि देखिए यहां से सेल था। अब और पास में चलते हैं, ये तो मेरे को 1 घंटा बता रहा है, और पास में चल के देखते हैं, देखिए मैं चलता हूँ 10 मिनट में, 10 मिनट में क्या हुआ, देखिए ये 61 लेवल था, देखिए 61 लेवल से देखिए ये शॉर्ट हुआ, स्टॉक मार्केट एकदम से ऊपर गया फिर शॉर्ट आ गया, आपका स्टॉप लॉस कहाँ होता है, यहाँ पर सेलिंग और यहाँ स्टॉप लॉस, नेक्स्ट टाइम देखिए फिर दोबारा ऊपर खुला मार्केट, राइट, क्या हुआ, फिर नीचे आ गया, फिर आपका एक नीचे कहीं पर सेलिंग होती है, ऊपर स्टॉप लॉस है, तीसरी बार फिर देखिए उसी लेवल पर गया, और यहां पर फिर क्या हुआ, फिर यहां एक बार ऊपर गया, फिर से नीचे आ गया, यहां पर कहीं सेलिंग होती है, स्टॉप लॉस था, राइट, और उसके बाद देखिए क्या जबरदस्त नीचे आया, ये सारे टारगेट इसने पूरे किए अपने, यहां से देखिए 61 से गिरा है 50, 38, 23 और 23 से भी नीचे आ गया इस समय, मतलब एक सेलिंग का स्टॉक बना हुआ है इस समय। तो आप ऐसे किसी भी स्टॉक में बजाय इंडिकेटर बेस होने के आप सबसे पहले अपने काम करें, अगर आप अपने बाय सेल निकाल लिए तो कोई स्टॉक आपको मना नहीं करेगा। और देख लेते हैं, चलिए इसको मैं बोलता हूँ कोटक बैंक, ठीक है, कोई सा भी, ये सिंपल सा एक तरीका है जिससे आप आराम से काम कर सकते हैं, ये कोटक बैंक है, देखिए मुझे नहीं पता कहाँ चल रहा होगा, आप इसको सबसे पहले मंथ में चेक कीजिए, राइट, कि मंथ आपको क्या बोल रहा है, ये देखिए, और मंथ में आपके पास क्या दिख रहा है आपको, ये एक रैली है नीचे, रैली नीचे आ रहा है, मुझे पता नहीं कि ये कहां पर है, ये हो सकता है एन वेव बनाए यहाँ से, तो उसके हिसाब से 61, 78 या 50 पे सेल होना चाहिए इसको। तो मैंने इसको सबसे पहले जाके चेक किया कि मेरे को ये बोल क्या रहा है, ये मेरे को बोल रहा है देखिए कौन से लेवल पे रुका हुआ है, ये 38, अब ये ऊपर तक गया और 61 से रिट्रेस हो गया, और उसके बाद अब ये आपका अराउंड 50 लेवल पर रुका हुआ है ना, लेकिन 50 लेवल से जरा सा ऊपर है, इसका मतलब ये पॉसिबल हो सकता है कि 61 तक जाए, राइट, तो मतलब ये मेरे को एक सिंपल सा लॉजिक अपने इसमें मिल गया। अब देखते हैं 1 घंटे में जाके, 1 घंटे में देखिए कर क्या रहा है, अगर आपको बाय करनी थी तो आप 50 से ऊपर बाय कर सकते थे, और अभी इसका टारगेट क्या है, अभी अगर इसका टारगेट देखेंगे तो इसका टारगेट 61 है, मतलब ये यहां तक तो जाएगा, हो सकता है यहां से गिरे नीचे, तो
ठीक है, या फिर अगर आपकी सेलिंग होगी इसमें अभी है ना, करंट सेलिंग होती है तो वो इसके नीचे होगी। ये मेरे को कौन बता रहे हैं, मेरे को मंथ बता रहे हैं। अब अगर मैं इसी जगह पर अपना जो फिबोनैची है वो मैं एक घंटे पर लगा लेता हूं, ठीक है, एक घंटा मेरे को क्या बोल रहा है, एक घंटे का लो ये और एक घंटे का हाई ये, या फिर एक घंटे का लो ये एक घंटे का हाई ये, आपकी मर्जी है, उसे कोई भी आप ले लें, चाहे तो ये वाला लो और ये वाला हाई ले लें या ये वाला लो ये वाला हाई ले लें, ठीक है। तो अब अगर मैं केवल ये वाली, सपोज मैं यही वाली ले लेता हूं, इतना ही बस, लगा के देखते हैं इसको कि अगर इसकी बाय होनी है तो कहां से होगी। ये देखिए कहां से बाय होनी चाहिए इसकी, 50 से या 61 से या 78 से, राइट। इस समय कहां पर रुका हुआ है, 50 मतलब ये ऊपर जाने के लिए तैयार है। क्यों, राइट, या तो केवल हमने फिबोनैची के बेस पर ही अपने बाय सेल निकाल लिए, हमें कोई इंडिकेटर की जरूरत ही नहीं है। आप सारे इंडिकेटर देखते रहे, अब मेरे को कंफर्मेशन चाहिए। कंफर्मेशन चाहिए का मतलब मेरे को ये चेक करना है कि मेरी यहाँ पर बाय है भी कि नहीं है। नहीं, अब मैंने यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप चाहे तो यहाँ पर अपना ये इशिमोकु लगा सकते हैं। ये देखिए इशिमोकु क्या बोल रहा है आपको, बाय बोल रहा है आपको, मतलब आप कंफर्म हो जाएंगे यहाँ से कि यस आपकी बाय आ रही है। यहाँ से देखिए क्या हुआ, इस समय कन्वर्जन लाइन बेस लाइन पे सपोर्ट ले रहा है, देखिए राइट, 50% भी है, बेस लाइन पर सपोर्ट भी है, और ये आपका टारगेट हो सकता है, पहला टारगेट ये और दूसरा टारगेट ये और तीसरा टारगेट, ये आपके टारगेट्स हैं। इसको और पास में जाके देखिए, इशिमोकु को मैं और पास में जाके देखता हूँ, मैं 10 मिनट में जाके देखता हूँ 10 मिनट में क्या कर रहा है। ये देखिए 10 मिनट में आपको ये बोल रहा है कि आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए, क्योंकि 10 मिनट में क्लाउड के नीचे आ रखा है, तो आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए, क्योंकि और पास में जाके देखते हैं, 5 मिनट में जाके चेक करते हैं क्या कर रहा है। ये देखिए ये आपको ये बोल रहा है कि ठीक है यहाँ से बाय जरूर है, राइट, बाय जरूर है, मगर आपके पास ये पॉसिबल हो सकता है कि यहाँ से गिर जाए क्लाउड, राइट, तो इसलिए अच्छा है कि क्लाउड के ऊपर बाय करे, राइट, जहां बाय ना करे ये नीचे गिर भी सकता है। हमें दिख तो रहा है कि बड़े टाइम फ्रेम की ये नीचे जा रहा है, देखिए लास्ट टाइम भी क्या हुआ, यहाँ पे उठाइए ये क्लाउड तक गया नीचे गिर गया, फिर क्लाउड तक गया नीचे गिर गया, फिर क्लाउड तक गया नीचे, फिर क्लाउड तक गया फिर नीचे, तो इसका भी हो सकता है क्लाउड तक जाके ये नीचे गिर जाए, इसलिए अच्छा ये है कि क्लाउड से ऊपर निकलने दें इसको, मतलब इस लेवल पर बाय करें। तो देखिए बिल्कुल एनालिसिस चल रहा है पूरा, नहीं गुरेंद्र जी, हमने कोई RSI नहीं, कोई MACD नहीं, कोई स्टॉकेस्टिक्स नहीं, कुछ नहीं, हम केवल फिबोनैची बेस पर ही अपने बाय सेल निकाल रहे हैं और फिर हम उसको कंफर्म कर रहे हैं, राइट। फिर मैंने अब इसको कंफर्म किया कि हाँ ठीक है मैं बाय तो है, अब देखिए मैंने बोला कि देखिए बाय आ गई, मैंने एक घंटे में बोला कि बाय आ गई, लेकिन मेरी 5 मिनट में मेरे को मना कर रहा है, अभी बोल रहा है कि अभी रुक जाओ, अभी कोई फायदा नहीं है, अभी अगर आपको बाइंग करनी है तो इसके ऊपर करो, यहाँ पर निकलने दो इसके ऊपर, जैसे ही ऊपर निकलेगा फिर आपको ये टारगेट देगा, राइट, तो ये भी टारगेट आपका अच्छा रहेगा। हाँ। नहीं और देखते हैं, चलिए और देखते हैं, सपोज मैं बोलता हूँ ग्रेसिम, कोई और स्टॉक देख लें, कई सारे स्टॉक मैंने आज आपको दिखा दिए और रैंडम ही उठा रहा हूँ मैं भी, ऐसे नहीं उठा रहा हूँ कि पहले से मेरे पास स्टॉक है, रैंडम चल रहे हैं सारे। हाँ जी। अब देखिए ये कोई स्टॉक है, नीचे गिरा हुआ दिख रहा है आपको, मैं इसको मंथ में देखता हूँ, मंथ में ऊपर जा रहा है, अब इसको आप इसके पहले तो अब अगर इसको ऊपर जाना है ना, हम वो लगाते हैं अपनी फिबोनैची, राइट, फिबोनैची से ही बात करेंगे, ये मैंने इसकी फिबोनैची लगा दी, मेरे को पता लगेगा कि मेरे लेवल्स कौन कौन से, राइट, आपको कब अगर बाय साइड जानी थी तो देखिए आपका 23 के ऊपर बाय थी, और ये अभी इसने पहला टारगेट अचीव किया है। हाँ जी। अब ये दूसरा टारगेट अचीव करने के लिए चल रहा है, यही है, ये देखिए दूसरा टारगेट अचीव करने के लिए जा रहा है अभी, लेकिन इसके साथ में आप क्या बोलेंगे, इसके साथ में ये भी बोलेंगे कि देखिए ये जरूर आपका ऊपर जा रहा है, मगर इसके गिरने के कौन कौन से लेवल्स है,
इसके जो फिफ्टी से गिरने गिर के लेवल थे सकता है, वो सिक्सटी फिफ्टी से से, गिरेगा या 61 से गिरेगा या 78 से, तो राइट। आप इन लेवल पर कॉन्शियस रहेंगे। हाँ या फिर ऐसा हो सकता है आप ये बोलें कि यहां से बाय जरूर आ गया, ठीक है, पर यहां तक आप बाय लेंगे खाली, यहां पर आप अपने स्टॉप लॉस टाइट कर देंगे, है ना, या फिर अपनी कुछ पोजीशन हटा लेंगे। तो अगर मैं इसी चीज को, ये मंथ बोल रहा है देखिए आपको, अब मैं इसको अगर मंथ की बजाय डे पे चले आता हूँ, देखिए डे कब हुआ, ये 23 था, देखिए ये 23 था, 23 से देखिए आपकी बाय आई थी, या और एक बाय आके देखिए यहां पर आ चुका है, या उसको भी क्रॉस कर गया। इसको भी क्रॉस करके अब अगली बाय चल रही है इसकी। अगर मैं और पास में जाके देखता हूँ, देखिए मैं 15 मिनट में जाके देखता हूँ, तो देखिए अब क्या हो रहा है, हमें हमें 5 मिनट में क्या दिख रहा था अभी थोड़ी देर पहले कि एक बड़ा सेल है, राइट। लेकिन ये है क्या असल में बड़ा सेल, बड़ा सेल है क्या, तो हमें बाद में पता लगा कि एक दिन में इधर 38% से ऊपर निकल रहा है ना, ये असल में सेल नहीं है, ये तो बाय साइड जा रहा है अभी। हाँ जी। तो ये पॉसिबल हो सकता है कि ये 38 पर एक सपोर्ट ले, क्यों या 38 पर यहां पर सपोर्ट लेके और यहां से ऊपर चले जाइए, नहीं इस जगह पर एक सपोर्ट ले सकता है ये, तो असल में हमारा सेल नहीं है। आप चाहो तो ये छोटा सेल ले लो यहां तक, मर्जी आपकी, आप बोलो सेल आ गया, बिल्कुल आ गया, लेकिन हमें बड़े टाइम फ्रेम पे दिख रहा है कि असल में सेल नहीं है, हो सकता है यहां से सपोर्ट ले जाए। राइट। हमारी सेलिंग कब आएगी, हमारी सेलिंग तो इसके नीचे आएगी, हाँ जी। अगर ये इसके नीचे चला गया तो हमारी एक बड़ी सेलिंग मिलेगी। अब आपकी मर्जी है, चाहो तो ये छोटी सेलिंग ले लो यहां तक ही, और नहीं लेना चाहो तो मत लो। लेकिन अगर इसी को मैं छोटे टाइम फ्रेम पे जाके देख रहा हूँ, 1 घंटे पे जाके देख रहा हूँ, तो देखिए मेरे को इसको सेलिंग मिल रही है। राइट। लेकिन ये सेलिंग देख के हमें ये नहीं बोलना है कि मार्केट गिर गया, मार्केट नहीं गिर रहा है कहीं पर भी। आप देखिए ये लेवल पर गया था, ये लेवल जब इस लेवल से नीचे गिरा था, देखिए नीचे आया ये फिर ऊपर आ गया, अब आपका दोबारा से एक लेवल पे आ रहा है ये, देखिए क्यों, ये कोई लेवल हो सकता है जहां से ये, जैसे लास्ट टाइम इसने बाय किया यहां से, हो सकता है यहां से टेस्ट करके वापस ऊपर चला जाए, लेकिन ये भी हो सकता है कि यहां से नीचे गिर जाए। अगर यहां से गिरेगा तो मैं सेल करूंगा, वहां से जहां से सेल हो रहा है वहां पर मेरे को सेल करके कोई फायदा नहीं है, राइट। लेकिन अगर आप चाहो, आपको लगता है कि नहीं मेरे को तो सेल करना ही है, मैं तो यहां से यहां वाला मूव भी लेना चाहता हूं, उसके लिए तरीका क्या है, आप इसके साथ में इंडिकेटर लीजिए। मैं बोलता हूँ ईशिमोकू, ईशिमोकू क्या मेरे को बोल रहा है कि अभी सेल कर दो, नहीं अभी नहीं बोल रहा है, देखिए इस पे सपोर्ट ले रहा है, बेस लाइन के ऊपर सपोर्ट ले रहा है, देखिए स्टॉक, राइट। अगर यहां पर सपोर्ट ले गया फिर ऊपर भाग जाएगा, या ठीक है, या फिर अगर आप इसको आराम से समझते हैं तो देखिए होता क्या है, हमने बोला था कि पहली आपकी बाय कब आती है ईशिमोकू में, यहां पर जब क्लाउड से बाहर निकला, दूसरी बाय कब आएगी, जब ये क्लाउड पर आएगा, ये बोला हमने, या क्लाउड पर आए, क्लाउड से ऊपर चले, तब इसकी दोबारा से बाय मानी जाएगी, राइट। तो अगर बाई चांस आप यहां पर बात करते हैं, सपोज ये नीचे गिर ही गया, आ गया नीचे, हम वैसे भी बोल रहे हैं कि 38% से ऊपर जा सकता है ये, मतलब यहां तक आके यहां से ऊपर जा सकता है जैसे पिछली बार गया, तो अगर यहां इस बार आता है तो देखिए क्लाउड पर आएगा ये, राइट, और क्लाउड से अगर ऊपर चलेगा तो वैसे भी बाय बन गई इसकी। तो मतलब आपके लिए अच्छी बाय कहां पर है, अच्छी बाय ये रही है, राइट। ये अच्छी बाय नहीं है, ये अच्छी वाली बाय ये है, क्योंकि क्लाउड आपका ग्रीन ही है अभी, क्यों ग्रीन है, यस सही चीज है, एनालिसिस यही है, ठीक है। लोग क्या करते हैं, वर्ल्ड के जितने लोग हैं, मैं तो फिर भी छोटा ट्रेडर हूँ, बहुत नाम भी नहीं है मेरा इतना, बहुत हाँ छोटा ट्रेडर हूँ, लेकिन फिर भी मेरे को पता है कि मेरे को अपने एनालिसिस कैसे करना है, राइट। आप भी समझ रहे होंगे कि एनालिसिस बच्चों का खेल नहीं है कि जो सब करते रहते हैं कि भाई एक इंडिकेटर ले लिया RSI, ठीक है, लोग क्या करते हैं, लोगों में और हमें फर्क होना चाहिए थोड़ा सा, हाँ जी, ले लिया स्टॉक S6 ले लिया, ठीक है, जब ये मेरे को सिग्नल देगा, इसने देखिए सेल दे दिया, इसने सेल दे दिया, आपने सेल ले लिया, हाँ जी, मतलब आपने अपने दिमाग से क्या किया बताएं, राइट राइट, क्वेश्चन तो ये है भाई, आपने आपने बोला कि ठीक है आपने मेरे को अमाउंट पे किया, अमाउंट पे इंडिकेटर देखने के लिए थोड़े ना किया, राइट राइट,
इंडिकेटर देखने के लिए तो आप 4 दिन में देख ले इंडिकेटर, उसमें तो दिमाग लगता ही नहीं है, दिमाग तो यहाँ लगता है सारा, हाँ जी, जो हम कर रहे हैं। या अब जब आप बोल रहे हैं कि मैं विदेश सर से सीख रहा हूँ, तो विदेश सर में कुछ अलग तो होना चाहिए गुरिंदर जी। हाँ जी बिल्कुल, आपको भी दिख रहा है कि कुछ तो अलग हो भाई। हाँ जी हाँ जी, जो नहीं है या बिल्कुल है ना, कुछ तो अलग मिलेगा ना। हाँ जी, और मैं हाँ आपको वो चीज नहीं सिखाऊंगा जो कि सब लोग सिखा रहे हैं, कुछ तो हाँ ऐसा जी अलग हो कि हाँ बोले कि नहीं मैंने विदेश से सीखा है, हाँ जी कुछ तो हो उसमें अलग से चीज। बिल्कुल तो अब बिल्कुल, देखिए ये हमने क्या किया, यहाँ पर मेरे को पता है मेरी जो बाई है वो यहाँ पर है, और इस समय आप सोचिए कि जब आप यहां से बाय कर रहे होंगे तो क्या आप डरे हुए होंगे कि कहां नीचे ना चला जाए ऊपर ना चले जाए, आप कॉन्फिडेंट होंगे, राइट। आपको पहले से पता है मेरी यहां पर बाय है। अब अगर यहां से ग्रीन कैंडल बनाना शुरू कर देता है ऊपर चलता है तो आप पूरे एक एक कतरा भी आपके पास ऐसा नहीं होगा कि आपको डर लगेगा, यहां पर हाँ जी या आप कॉन्फिडेंट रहेंगे, यस यहां से मेरी बाय है, और नीचे स्टॉप लॉस है, अगर ये थोड़ा बहुत नीचे जाएगा भी आपको पता है मेरा जल्दी से स्टॉप लॉस नहीं काटेगा, आप बाय में बहुत अच्छी तरह चले जाएंगे। और गलती से यहां पर बायर ज्यादा हुए इस हाँ जगह जी पर तो आप कॉन्फिडेंट और भी हो जाएंगे, आराम से बैठे रहेंगे हाँ जी भले ही आपका स्टॉप लॉस कट जाए, लेकिन आपके दिल में डर नहीं आएगा, हाँ जी है ना। ये चीजें होती हैं जो हमें हमें फायदा करती है, ये हमारा एनालिसिस है जो हमें फायदा करेगा। और देखिए सपोज ये ग्रेसिम है, ये और दिखाता हूँ, देखिए कोई और स्टॉक पकड़ लेते हैं, मैं स्टॉक लेता हूँ सपोज इंफ्राटेल, कोई भी ए टू जेड कोई भी स्टॉक पकड़ लीजिए, हाँ जी ये इंफ्राटेल है। आपको हर एक को ऐसे ही एनालाइज करना है, आप मंथ में जाइए, मंथ में देखिए कि कर क्या रहा है। या मंथ में अब नीचे आ देखो रहा ये, है। हाँ ये भी नीचे आ रहा है, ठीक है। अब हम इसको देखने की कोशिश करते हैं कि असल में इसने किया क्या है, क्या ये बाय साइड पर है भी कि नहीं है। मैं इसको शुरू से लगा लेता हूं ऊपर से, यहां से पकड़ा और नीचे तक पूरा खींच दिया, अभी तो ये बाय साइड भी नहीं आया है, राइट। अभी तो बाय में भी नहीं शुरू हुआ ये कि हम बोले कि बाय आ रही है, वो तक भी नहीं है अभी तो इसकी। देखिए अभी तो बाय में भी शुरू नहीं हुआ एक बार भी है, राइट। तुम क्यों जबरदस्ती इसके साथ पंगे ले, नहीं लेने चाहिए आपको, तो कम से कम यहां पर बाय करना चाहिए इसको, हाँ ये जी टारगेट है, भैया। ठीक है। अब मैं और इसको ध्यान से देखता हूं, अब मेरे को ये तो पता लग गया मेरा 1 महीने में यहां पर बाय आती है, अब मैं इसको 1 घंटे में भी जाता हूं, जाके देखता हूं 1 घंटे की रैली कौन सी है, 1 घंटे की रैली मेरी हाई और लो ये बन रही है, हाँ जी इसको कलर अलग कर लेते हैं, कलर सपोज ब्लू कलर ले लेते हैं। अब मैंने इसको क्या किया, यहां से लेना शुरू किया, ये हाई और ये लो। अब देखिए अब कर क्या रहा है ये असल में, 50 से ये टकरा देखिए के वापस 50 आ से गया। रिट्रेस कर रहा है ये, हाँ मतलब जी अगर मैं रैली की बात करूं तो मेरा 50 से रिट्रेस कर रहा है। अब दोनों को हाँ कंबाइन कर रहे हैं, देखिए मैं दोनों को कंबाइन करके दिखा रहा हूं आपको, असल में हो क्या रहा है, ये मेरा जो 61 है, एक मिनट मैं मार्क करके बताता हूं आपको, ये तो बड़ी रैली का 23% है जहां से बाय हो रहा है, ये तो बाय है आपका, तो बाय में तो पहुंचा ही नहीं है अभी, ठीक है। लेकिन जो मेरी छोटी रैली बनाई है मैंने, उसमें ये कहां तक गया है, 50% तक, और 50% से रिट्रेस कर गया, और इसका टारगेट कौन सा था, 38 अचीव किया इसने। तो मतलब बड़ी रैली आपको ये बता रही है कि कब आपको बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, छोटी रैली आपको बताएगी कि आपको कहां से बाय करना चाहिए राइट। या सेल करना चाहिए। तो छोटी रैली ने आपको ये बताया कि ठीक है 50% से ये नीचे जा रहे हैं, तो ये इसका पहला टारगेट है और ये इसका दूसरा टारगेट है। अगर आप इसे बाय करेंगे, वैसे भी आपको पता है कि अगर इसे बाय में जाना है तो कम से कम 78% से या 61% से ऊपर जाना पड़ेगा, तो मतलब आपको वैसे भी पता लग रहा है कि ये कम से कम यहां से तो ऊपर जाना ही पड़ेगा इसे 61 से अगर बाय में जाना है, हाँ जी और फिर ये आपका 23% आ गया, 23% से आपकी बड़ी रैली की बाय शुरू हो जाती है ना, यही हुआ। तो ये सिंपल सा लॉजिक है, और अगर ध्यान से समझते हैं तो देखिए आपके पास क्या हुआ, बड़ी रैली कौन सी बोल रही है 23 के ऊपर बाय, राइट, और छोटी रैली के पास 61% ये रहा और 78% ये रहा। आपको पता है कि अगर इसको गिरना है तो 78% से गिर जाएगा,
तो इसका मतलब ऐसा हो सकता है कि 61 से ऊपर जाए और 78 से फिर गिर जाए नीचे. तो आपको अच्छी बाय कब मिलेगी? 78 के ऊपर. राइट. यहां से ऊपर बाय करें तो ये आपको बहुत बेस्ट बाय देगा. यहां से इसके ऊपर जाने के चांसेस मैक्सिमम हो जाएंगे. राइट. तो ये सिंपल सा एनालिसिस है जो कि हम किसी भी स्टॉक के साथ कर सकते हैं. और कोई भी मैंने देखे रैंडम स्टॉक आपके साथ में उठा के देखे, मतलब पहले से मेरे कोई स्टॉक नहीं थे, मैंने रैंडम स्टॉक उठा के देखे और भी देख लेते हैं. चलिए एक और देख लेते हैं. सपोज मैं देखता हूँ LICH, ये कोई स्टॉक है LICH HSGFIL. ये देखिए, ये भी देखिए. अब इसको भी मैंने हमेशा एक महीने में देखिए कि महीना आपको क्या बोल रहा. हमेशा आप दो जगह से लगा सकते थे. पहला आपके पास कहां कहां से लगा सकते हैं अपनी रैली? इसमें तीन जगह से लगा सकते हैं, यहां से यहां पर. राइट. यहां से यहां पर और यहां से यहां पर. अब मैं तीनों जगह से लगा के देखता हूं. मैंने मेरे को बड़ी पिक्चर क्यों देगा? क्योंकि मेरे को पता लगेगा ये जो मेरी रैली है पूरी बड़ी रैली का कितना पार्ट इसने कवर किया. बड़ी रैली के हिसाब से बाय में आया कि नहीं आया. इस छोटी रैली मेरे को बताएगा किसने कितना पार्ट कवर किया, और ये छोटी रैली मेरे को बताएगी इसने कितना पार्ट कवर किया. ठीक है. तो मैंने क्या किया, यहां से पहले लगा के देखा इसको. ये मेरे को बता रहा है कि आपका 23% से रिट्रेस कर रहा है बार बार. ये देखिए अभी गया ही नहीं है. जिस दिन 23 के ऊपर जाएगा ये फिर यहां तक की बाय देगा. राइट. ये मेरे को कौन बोल रही? बड़ी रैली. बड़ा मूव बोल रहा है कि अगर इसके ऊपर खुला किसी भी दिन, खुलेगा ये किसी भी दिन, तो आपको एक अच्छी बाय देके जाएगा. इसको आप कैसे भी चेक कर सकते हैं, इसको छोटे टाइम फ्रेम में जाके भी आप चेक कर सकते हैं, एक घंटे में भी. असल में क्या हो रहा है, आपके बाय कहां से आ रही है? बाय आपकी आनी है इसके ऊपर यहां पर. और यहां पर देखिए अभी गया ही नहीं है. अगर हम ट्रेंड लाइन करें तो ट्रेंड लाइन हमारी ये चली जाती है. राइट. तो कम से कम इसके ऊपर जाएगा तो यहां तक जाने के लिए बाय बनाएगा. ये मेरे को कौन बोल रहा है? मंथ. है ना. फिर आगे चलते हैं. अब मैंने इस रैली पे बात नहीं की, ये रैली मैंने हटा दी. अब मैं इस वाली रैली के बारे में बात करता हूँ. ये रैली जो ये ये देखिए, ये आपका ये बोलता है कि 23% पर आपके पास एक 23% के ऊपर रुका हुआ है स्टॉक. 23% से ऊपर चल रहा है. ठीक है. अगर आप किसी भी रैली को चाहे तो बड़ी रैली मानिए तो आपको यहां से ऊपर बाय आती है. यहां से छोटी रैली बोलते हैं तो देखिए ऑलरेडी बाय एक शुरू हो चुकी है और टारगेट ही है. तो मतलब अगर आप इसके ऊपर निकल जाएगा तो दोनों तरफ से कंफर्म हो जाएगा, बड़ी रैली से भी और छोटी रैली से भी. यही तो होगा. मतलब बड़ी रैली बोलती है कि इसके ऊपर बाय है, छोटी रैली बोलती है कि मेरा पहला टारगेट है. इसके ऊपर आएगा स्टॉक तो बड़ी रैली का बाय मिल जाएगा. और आप क्या कर सकते हैं, और मैंने छोटी रैली ले ली. इस बार मैंने ये वाली रैली पकड़ी. ये देखिए आपको क्या बोलता है. इंटरप्रिटेशन आपको जरूर दिक्कत करेगा. हाँ जी. मतलब बड़ी रैली जब होती है तो आपके आपके स्टार्टिंग नहीं हुई होगी, टारगेट अचीव नहीं हुए होंगे. लेकिन जैसे जैसे छोटी रैली की तरफ जाएंगे तो आपके कुछ टारगेट अचीव होते मिलेंगे. जैसे हमने अभी अभी इस पे लगाया था तो हमने पता था 23 से ऊपर चल रहा है, 38 पर अभी नहीं पहुंचा है. अब मैंने एक छोटी रैली पे लगा दिया तो देखो मेरे को क्या पता लग रहा है, पहला टारगेट मेरा अचीव हो चुका है. अब ये दूसरा टारगेट मिलेगा, मतलब 50, मतलब 50 से ऊपर अगर चलेगा तो बड़ी रैली का बाय आ जाएगा. ये आपका बस सिंपल सा लॉजिक है काम करने का. क्या इसी लॉजिक को आप ले जाके एक घंटे में ले जा सकते हैं? ये देखिए, इसका मतलब अब आपकी बाय कहां से आएगी? अगर इसकी बाय आनी है तो यहीं से बाय लेके चला जाएगा. नहीं, और ज्यादा आप क्या कर सकते हैं? और ज्यादा आप क्या कर सकते हैं? देखिए, अगर मैं बोलता हूं कि देखिए मेरी रैली थी, ठीक है, इस रैली का अगर इसको नीचे जाना है तो कौन से लेवल से जाएगा? 61 से या 78 से? 78 से चल दिया नीचे. योगेंद्र जी. हाँ जी. चल दिया. इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं इस रैली के पार्ट की बात करता हूँ तो इस रैली में ये 78% से अभी नीचे जा रहा है. देखिए
और इसका टारगेट असल में क्या होना था, बंद हो गया होगा मार्केट, पर टारगेट ये था आपका राइट या फिर ये वाला टारगेट या ये वाला टारगेट, तीनों में से कोई भी एक टारगेट इसका था। तो अभी आपके पास सेलिंग में नहीं, सॉरी बाइंग में नहीं आया है, सेलिंग में तरफ जा रहा है स्टॉक। ये सिंपल सा एनालिसिस है, ये आप किसी भी स्टॉक में कभी भी कर सकते हैं, है ना। और ये बड़ा एनालिसिस है, अगर ये समझ में आ जाएगा तो आपको इंडिकेटर्स की जरूरत नहीं रहेगी, राइट। किसी केस में इंडिकेटर की जरूरत नहीं रहेगी। अभी देखिए असल में तो ये डाउन ट्रेंड का स्टॉक है ना, देखिए हाइज लोअर हाइज लोअर हाइज लोअर हाइज, राइट। तो डाउन ट्रेंड का स्टॉक और ये आपको बोल रहा है कि अगर मैं रैली पे लगा रहा हूँ तो यहाँ पे एक सेलिंग दे रहा है, राइट। तो फिर नीचे की तरफ चलेगा ये, तो मतलब आप एक सेलिंग जोन में जा सकते थे इसमें बड़े आराम से। हाँ जी, तो मतलब अगर ऐसे एनालिसिस करेंगे गुरिंदर जी तो ज्यादा फायदा होगा। हाँ जी, है ना। क्या इसको एक बार करके देख लीजिएगा, फिर मेरे को बताइएगा, ठीक है। आज देखिए हमने कोई इंडिकेटर नहीं डाले हैं बीच में कहीं ज्यादा। हाँ जी, हाँ जी। आप चाहो तो अगर आपको लगता है कि भाई आपने चलो ये लगाया है, ये देखिए ये लगाया है आपने, ये लगाई है ना, आप चाहो तो अगर इसे एक घंटे में जा इशिमोकु यहाँ पर भी लगा के देख सकते हो आप। देखिए मैंने लगाया, क्या बोल रहा है मेरे को, सेलिंग मंथ में, मंथ में सेलिंग बोल रहा है, देखिए है ना। मैं इसको जाके देखता हूँ एक घंटे, एक दिन में, दिन में भी देखिए मेरे को क्या बोल रहा है, ये दिन में बोल रहा है कि बाई है, राइट। दिन में बाय बोल रहा है, लेकिन मेरी बाई यहाँ से आती है अच्छी, जब भी यहाँ से ऊपर निकलेगा तो बाय है। मैं घंटे भर में देखता हूँ, देखिए घंटे भर में मेरे को बाय बता रहे हैं, लेकिन प्रॉपर बाय अभी नहीं आई है घंटे भर की। बाय कब आएगी, जब कन्वर्जन लाइन से ऊपर निकलेगा, राइट। क्योंकि अभी इसने रूल ब्रेक कर रखा है इस समय, कन्वर्जन लाइन से ऊपर निकला था बाय चल रही थी ऊपर, अभी नीचे है, कन्वर्जन लाइन से ऊपर चलेगा तो बाय आएगी मेरी, राइट। और छोटे टाइम फ्रेम में जाए 15 मिनट में, देखिए 15 मिनट में भी ये बोल रहा है कि आपका देखिए नीचे आ रहा है स्टॉक, और कन्वर्जन लाइन से ऊपर जाएगा तो मेरी बाय बनेगी, तो मेरे को इसमें वेट करना चाहिए, या है ना। दूसरी बात ऐसे भी देख सकते हैं, देखिए क्लाउड पर आ रखा है इस समय, और क्लाउड नीचे है, इसका मतलब ऊपर जाएगा, यहां से ऊपर निकल जाएगा, नहीं। तो ये एनालिसिस है, और ये एनालिसिस किसी भी टाइम हम लोग कर सकते हैं, राइट, कभी भी, है ना। तो अभी जब मार्केट आपका खुलेगा तो मार्केट पे इसको, हमारा तो मंडे को खुलेगा जी, आज तो फ्राइडे है। हाँ ये तो बात सही है, आज तो फ्राइडे है, हमारे भी मंडे को ही खुल रहा है, हमारे यहाँ सैटरडे है, हमारे यहाँ सैटरडे आज, या आपका सैटरडे मॉर्निंग हो गया, हमारा फ्राइडे नाइट हो गया, फ्राइडे नाइट हो गया। हाँ जी, पर आप एक काम कीजिएगा ना, आप ऐसे एनालिसिस करके रख लीजिए। हाँ जी, या है ना, आप एनालिसिस करके रखेंगे तो नेक्स्ट डे आपके मंडे को आपको फायदा रहेगा इससे स्टॉक। हाँ जी, ठीक है, है ना। हाँ जी, ठीक है जी, मैं आपको इसके रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, ठीक है जी, है ना, चलिए।